न्यूज़ खबरों की नई पहचान। नई सरकार से नई उम्मीद लेकर धनबाद के छात्र छात्राओं ने के न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि गठबंधन सरकार लाठी चार्ज नहीं करवाएगी, बल्कि हम छात्रों ने अपना कीमती वोट देकर रघुवर सरकार को उनके कानून व्यवस्था को लेकर हमने उनके गाल पर तमाचा मारा है। शिक्षा व्यवस्था का स्तर काफी गिर चुका है। शिक्षक देश के भविष्य को संवारते हैं और छात्र देश के भविष्य होते हैं। इन सभी बातों को हम छात्रों ने मिलकर यह कदम उठाया है। जो पिछले सरकार में हुआ है वह इस सरकार में ना हो। चंदन कुमार और मैं बात बरोडा से आया हूँ। पिछले सरकार के छात्रों ने शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवाई थी, इस सरकार से अब क्या उम्मीद लगाते हैं? इस सरकार से हमें तो बहुत उम्मीद है और आशा करना है कि अब की बार जो हमारी सरकार बनी है अच्छे कदम उठाएंगे और ऐसे कामों में विरोध करेंगे, ठीक है, और शिक्षक को पारा टीचर को अच्छे मुकाम पे पहुंचाने की काम करेंगे। पहले के न्यूज़ के दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। अभी मेरा नाम प्रेम सन है, मैं टीचर इस सरकार से मेरे लिए 5 साल में ये कुछ नहीं कर पाया है। जी मेरा नाम शवा प्रसाद है और मैं प्रसाद धनबाद हूँ। देखिए पिछले सरकार जो है उसको वोट दिया था उस टॉपिक ने सोच समझ कर दिया था, लेकिन जो हुआ है वो जुमले वाली सरकार थी। अरे जुमले की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसी वजह से हम लोग चेंज लाना चाहे इस बार फिर सरकार को चेंज कर दिया। और जो बोल रहे थे डबल इंजन का सरकार वो नहीं चलने वाली है, सरकार से अब इसी की सरकार से कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो इस सरकार उम्मीद करते हैं कि कुछ चेंज लाए। देखिए सरकार चेंज हुआ उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है, बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके फलस्वरूप अभी सरकार जो है परिवर्तित हुई है। और जहाँ तक बात था कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं यही दो पार्टियां मुख्य रूप से उभर कर सामने आ रही हैं। जहाँ तक था बात JMM का, तो JMM की सरकार इस बार बनी है, हेमंत सोरेन जो है हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो लाठीचार्ज हुआ उस पर हमारा वक्तव्य इतना ही है कि देखिए छात्र जो है, छात्र आपका भविष्य है, इस देश का भविष्य है, और छात्रों पे लाठी चार्ज करना, छात्र जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं छात्र। सबसे पहले के न्यूज़ के दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम संकेत पांडे और मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ साइंस। आप ये बताइए पिछले सरकार ने जो छात्रों पर लाठी चार्ज करवाए थे एवं शिक्षकों पर, 5 साल बाद सरकार बदल चुकी है, इस सरकार से आप क्या उम्मीद लगा कर रखते हैं? इस सरकार से मुझे यही उम्मीद है कि ये स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करे के क्षेत्र में, जो कि कुछ अच्छी रही नहीं है। छात्रों के लिए कुछ उतना कुछ हुआ नहीं है पिछले 5 सालों में, तो इस सरकार से यही उम्मीद है कि बस स्टूडेंट के लिए कुछ करे, अच्छा करे, जिससे स्टूडेंट का कुछ फ़ायदा हो। मेरा नाम रीना कुमार है, हम केरल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, BA सेमेस्टर 5। तो आप हमको ये बताइए पिछले सरकार ने जो छात्रों में शिक्षकों पर सरकार लाठी चलाई थी, इस सरकार से आप क्या उम्मीद लगा कर रखी है? ये इस बार हम यही उम्मीद करेंगे कि सभी स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं उसको आगे पढ़ने के लिए मौका दिया जाए, जो भी है जैसे भी स्टूडेंट जैसा भी पढ़ना चाहते हैं वैसा मौका दिया जाए। पिछले 5 सालों से चल रहे डबल इंजन की सरकार, ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई जो जनता को अपना फैसला बदलना पड़ा? देखिए पहले ये जो सरकार लोक निवारण वायदे किए थे और स्थानीय नीति में बहुत सरकारी युवाओं को यहाँ से आक्रोश था और एक रघुवर दास का इमेज जो था बाहरी बन गया था।